स्पेशली घूम ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या चला सकते हैं, आपका बॉर्डर कटल चला सकते हैं ठीक है, आपका जो है वो छोटा कट चलता है ठीक है। उसके अलावा आपका क्या करता है, जैसे आप बुकिंग करते हैं बिजली के साथ क्या करते हैं आप फर्टिलाइजर वो चला सकते हैं आप। उसके अलावा क्या करते हैं आप, अगर स्वयं कर रहे हैं तो जो आपका क्या होता है हमारा मैकेनिकल वो उसको हम क्या करते हैं इस पावर डे का क्या यूज करते हैं। और उसके अलावा जो है कूलिंग के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, जितने भी आपके पेज इंप्लीमेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी के सारी जिसके थ्रू होती है उसके कूलिंग के थ्रू होती है। उसके बाद हमारे पास ट्रैक्टर की कॉन्फिगरेशन की अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो क्लासिफाई किया जाता है टू व्हील ड्राइव के अंदर, आपका जो है टू व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील एक्सल। उसके बाद हमारे पास क्या है आपका फोर व्हील ड्राइव है जो कि जिसे हम आर्टिकुलेटेड स्टीयरिंग या ट्रैक कंट्रोल ट्रैक्टर के साथ अभी हम इसके अंदर क्या है जिद्दत आ गई है जिद्दत के मुताबिक क्या कर रहे हैं आपका जो है वो ऑटो स्टीयर जीपीएस गाइडेड। तो ये ज़्यादातर जो है वो हमारे पास फोन की उसमें फोर व्हील टू व्हील आपकी क्या होती है ड्राइव होती है और जो फ्रंट टू व्हील होते हैं वो आपके ट्रैक्टर के तौर पर हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो जो ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं उसमें हमारे पास यूटिलिटी ट्रैक्टर्स हैं, रो क्रॉप ट्रैक्टर्स हैं, ऑर्चर ट्रैक्टर्स हैं आपके ठीक है, जॉटर ट्रैक्टर हैं, रोटेटर हैं, अर्थ मूविंग ट्रैक्टर हैं, आपके यूटिलिटी ट्रैक्टर हैं जो आपके नाम यूटिलिटी के लिए आप यूज करते हैं। आपका जो जनरल ट्रैक्टर है जो इसमें पाकिस्तान में अवेलेबल है हम इसी को भी रोकर आपके लिए भी यूज़ कर रहे हैं, हम इसे ऑर्चर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, हम इसे इंडस्ट्रियल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। बट रोकर जो होता है उसके फ्रंट एक्सल में ये क्या होता है मूवेबल होता है, फ्रंट एक्सल के अंदर हमें क्या करते हैं डिफरेंट जॉइंट्स बनाए होते हैं जो उससे आप क्या करते हैं कतारों के दरमियान फासले के हिसाब से हम क्या करते हैं ट्रैक्टर की एडजस्टमेंट करते हैं ताकि आपके जो है वो इंटरकल्चर के दौरान या उसको आपको जो है वो डिस्ट्रक्शन जिसे हम डैमेज करते हैं उससे बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं ठीक है। उसके अलावा जो वाटर ट्रैक्टर है जो है ये अराउंड 20 हॉर्स पावर तक मैक्सिमम होते हैं जो कि आपके किससे यूज होते हैं आपकी लैंडस्केप के लिए फिर है वो गार्डनिंग के लिए ठीक है, और उसके अलावा ग्रास कटिंग होगी बुश कटिंग के लिए ठीक है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे ट्रैक्टर हैं डैट इस काइंड ऑफ लाइक जो आपको बिल्डोजर भी आ जाता है या आपके जो है वो ये चीज़ें हैं सारी इसके अंदर आपके आ जाते हैं। इसके अलावा आप इन ट्रैक्टर्स की जो है हमारे पास एप्लीकेशन क्या है ना जो हमारा फार्म ट्रैक्टर है, तो ये आपने पहले था कि फार्म ट्रैक्टर है वो बुलिंग के लिए पुशिंग के लिए एडिटर मशीनरी को ठीक है ड्रॉइंग के लिए पिनिंग के लिए डिस्टिंग हैरो प्लांटिंग और सिमिलर टास्क जितने भी टास्क होते हैं उसके लिए हमारे पास क्या है हम एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। अच्छा अब इसको इस ट्रैक्टर के बारे में क्या है हमने लास्ट ट्रैक्टर में इसकी इंजन को पढ़ा था कि इसके इंजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमने देखे थे कि ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है एक फ्यूल सिस्टम होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द फ्यूल इंजेक्शन पंप लास्ट ट्रैक्टर हुआ ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है उसका कूलिंग सिस्टम था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक आज का है इसके बारे में है आप एज अ फार्म मैनेजर काम कर रहे हैं और आपके ट्रैक्टर के ऊपर क्या हो रहा है आप अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं बट क्या होता है स्टार्ट नहीं होता उसके अंदर क्या मुश्किल हो सकती है ठीक है। अब ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा या घर से आपकी स्टार्ट नहीं हो रही तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं पहले तो हम कैसे पता करते हैं पहले हम क्या करते हैं उसको की लगाते हैं की लगाने के बाद सबसे पहले हम काम करते हैं क्या करते हैं हम स्टार्ट वो चेक करते हैं कि जो है ना क्या प्रॉपर जो है वो एक तो क्या क्या है आपका सेल्फ स्टार्टर का मसला है। अगर सेल्फ स्टार्टर का इशू हो तो उसके दो इशू होते हैं, फर्स्ट
आपकी बैटरी क्या हो चुकी है, ड्रेन हो चुकी है, तब भी आपका जो है वो ट्रैक्टर या गाड़ी क्या होगी आपकी वो स्टार्ट नहीं होगी। अगेन आपका सेकंड क्या है, सेल्फ स्टार्टर भी सेल्फ स्टार्टर की कोई कार ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन ट्रैक्टर चल रहा था तो कार जो है वो निकल गई, ठीक है, और जब आपने गाड़ी बंद की या ट्रैक्टर बंद किया दूसरे दिन जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करने लगा आपका ट्रैक्टर स्टार्ट आ गया, तो ये जो है वो पॉसिबल रीजन सिस्टमेटिकल की कारों का मसला हो सकता है, बैटरी का मसला हो सकता है। थर्ड वन इज अगेन सेल्फ स्टार्टर की मोटर है वो खराब हो सकती है, जो सेल्फ स्टार्टर है वो बिजली की खराब हो सकता है, तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है। बात क्या हो सकता है आपका आपका जो फ्यूल टैंक है हो सकता है आपके फ्यूल टैंक के अंदर क्या है फ्यूल ही ना हो उसकी वजह से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर आप कहते हैं कि यार ये हमारा ओके है फ्यूल भी अवेलेबल है, ठीक है, फिर भी आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, दैन जो पॉसिबल रीजन हो सकती है वो क्या हो सकती है कि आपका इंजन है या जो ट्रैक्टर है वो क्या हो गया एयर लॉक। ये हम आपको प्रैक्टिकल में तरीका सिखाएंगे कि किस तरह हमने गाड़ी का ट्रैक्टर का जो है वो एयर लॉक रिमूव करना है, ठीक है। अब एयर लॉक हो गया है, एयर लॉक के दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन जो है आपकी क्या हो सकती है कि आपका जो प्रीवियसली जो टैंक था वो क्या हुआ है सारा का सारा क्या हुआ है ये हो गया है हो गया। उसके बाद जब आपने दोबारा स्टार्ट था तो क्या होता है कि आपको पहले पता है जब इंजन आपको वर्क करता है तो उसमें क्या होता है हम देख हमारे पास ये है मतलब जो 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 है वो क्या करता है या प्रेशर होती है या रीजन उसका टाइप कौन सी है उससे क्या होता है ब्लास्ट होता है और जो है वो पावर यूज है गैस अच्छा हमारे केस में क्या है ट्रैक्टर के केस में क्या होता है डीजल इंजन होता है तो डीजल इंजन में क्या होता है पहले एयर चलती है ट्रैक्टर के अंदर पहले एयर चलती है और एयर जैसे कंप्रेस होती है उसके बाद क्या होता है फ्यूल इंजेक्ट पंप क्या करता था फ्यूल को क्या करूँ उसके अंदर आपको पावर दे रहा है इसमें रेवोल्यूशन में आप उसे कह सकते हैं कि इसमें दे रहा आपको रोटरी पावर दे रहा है आपको आपके, ठीक है। ये जो इंजन है इसके और ये आपके पास क्या है हमारे पास कैसे आपका फ्यूल जो था फ्यूल को उसने कन्वर्ट कर दिया
फिर गिव अप किया यहाँ पे क्या होता है आपका फ्लाईबीन लगा होता है उसको ये घुमाता है तो अभी क्या हुई यहाँ वाली जो रैपिड ट्रांसपोर्टिंग मोशन जो कि कन्वर्ट हो गया आपकी रोटरी क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल था केमिकल ने क्या किया पावर थी पावर का तत्व क्या आ गया उसको मैकेनिकल में हमने उसको उपयोग कर दिया ठीक है ना तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्टन का प्रोसेस ठीक है ना कंबस्टन से क्या हुआ आपके जब रोटरी मोशन में आगे अब इसके आगे क्या होता है वाई व्हील क्या करता है वो पावर ट्रांसमिट करता है डिफरेंट टू क्लच क्लच का काम क्या होता है गाड़ियों के अंदर ट्रैक्टर के अंदर क्लच क्या करता है आपकी रनिंग इंजन की जो मोशन है उसको इंगेज और डिसएंगेज करता है आपकी डिफरेंशियल वॉल्व ठीक है इतनी चीज़ होती है दूसरा क्या होता है गियर का काम क्या होता है गियर बक्सर का काम ये होता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके डायरेक्शन को इंक्रीज डिक्रीज और स्पीड को लो एंड हाई करता है ट्रैक्टर के अंदर दो किस्म के गियर होते हैं एक जो होता है वो लो गियर होता है जो आपका ट्रैक्शन के लिए किया जाता है और दूसरा जो होता है वो स्पीड डिफरेंशियल गियर होता है जो आपकी स्पीड को कंट्रोल करता है ठीक है वो हम जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको बताएंगे कि आपने कौन से हल के साथ कौन से वाला गियर लगाना है या क्या मार्फत है उसके अलावा जो हमारा गवर्नमेंट या जो रिक्वायरमेंट है तो आप उसके हिसाब से कैसे करेंगे हम बात करते हैं दोबारा इंजन एयर पावर की इंजन एयर पावर हो गया अब हम कहते हैं कि इंजन एयर पावर ठीक है ठीक है अब हमारे ये विषय है हम बात करते हैं हमने इसी तरह इसमें भी ठीक है कि
बात करूँ तो उसका उसमें क्या स्पीड है वो ए है Thank you.
ड्राइवर्स को ऑपरेटर्स को पता नहीं था, अब लोगों को पता लगता जा रहा है, वो यूट्यूब आ गई, फेसबुक आ गई, तो ये चीज़ें है ना वो सारी आपकी कनेक्ट होती हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का अपनी दो ट्रबल शूटिंग की है। हम जो है वो क्लास प्रैक्टिकल करेंगे, इन्हीं दो को देखेंगे और दैन उसके बाद में सीखेंगे। और भी काफ़ी सारे मसाए हैं। इसके बाद एक और मसला आता है कि आपका जो है वो इंडिया स्टार्ट भी होता है, जर भी नहीं मारा, बट क्या है वो पंजाबी कहने चाय नहीं जाता, ठीक है, कि वो क्या है उसके